हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके दिसंबर 2018 के इग्नू के एग्ज़ाम की। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 5C सॉल्व करके दूंगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में, ये 6 मार्क्स का था, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं, लॉजिक डायग्राम, करेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को हम ऐसे लिखते हैं, TFF फॉर फ्लिप फ्लॉप, टी फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में उन्होंने इन तीन चीज़ों के बारे में पूछा गया। चलिए शुरू करते हैं। तीन फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं बेसिकली, तो फ्लिप फ्लॉप्स कई हैं, मैं एक शॉर्ट रिव्यू से समझाता हूँ। सबसे पहले एक होता है लैच। लैच क्या होता है? बाय क्रॉस कपलिंग ऑफ टू NAND और टू NOR गेट से आपका लैच बनता है। क्रॉस कपलिंग का मतलब क्या है? जैसे कि ये मेरा एक NAND गेट है, ये भी एक NAND गेट है, और इसकी इनपुट इसकी आउटपुट बन रही है और इसकी इनपुट इसकी आउटपुट बन रही है। दिस विल बी ए लैच, ठीक है जी। इसको हम S बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं। S स्टैंड फॉर सेट एंड R स्टैंड फॉर रीसेट। ए लैच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit ऑफ डेटा। 1 bit का डाटा वो स्टोर करके रख सकता है अपने पास, ठीक है ना। लेकिन लैच की प्रॉब्लम ये है, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है कि कैन नॉट फीड इनपुट। इसमें आप इनपुट फीड नहीं कर सकते, इसमें आप किसी तरीके की इनपुट फीड नहीं कर सकते। आप यहां पे देख लीजिए, ये इनपुट इधर से आ रही है, इस आउटपुट से ये इनपुट बन रही है और इस आउटपुट से ये इनपुट बन रही है। सो देयर इज नो वे ऑफ फीडिंग द इनपुट। तो इसी लैच को इंप्रूव करके बना एस आर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बना है? इसी लैच के आगे 2 NAND गेट और लगा दिए गए, तो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप बना है। देखते हैं जरा। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये यहां से कनेक्ट और ये यहां से कनेक्ट। इतने से पार्ट की अगर आप बात करोगे तो ये आपका लैच ही है, ठीक है। और ये आपकी नई इनपुट्स लगी हैं, तो इसको हम S बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं। सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। इस आउटपुट को क्यों और इस आउटपुट को क्यों कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता होता है, ठीक है। एस आर क्यों एंड क्यों कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे एक क्लॉक पल्स लगी होती है। क्लॉक पल्स इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसकी वैल्यू 0 and 1 ही हो सकती है। ये एक पावर का काम करती है, दिस इज अ क्लॉक, ठीक है जी। सो क्लॉक आपके पावर का काम करती है। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप था, इसी को लॉजिक डायग्राम भी कहते हैं, बट राइट नाउ ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम है। इसके बाद बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल मतलब क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकल सकते हैं आपके। सो एस एंड आर, पॉसिबिलिटी है कि दोनों कनेक्शंस ऑफ हैं, मतलब 0, आर ऑन है, एस ऑन है या एसआर दोनों ऑन है। इनका ट्रुथ टेबल अभी के लिए आपको मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, अदरवाइज इसको डिराइव किया जा सकता है। अभी के लिए इसकी आउटपुट होगी, ये प्रीवियस आउटपुट देगा, मतलब जो भी पुराना रिजल्ट होगा उसको शो करेगा। ये 0 देगा, ये 1 देगा और ये नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। इसी को हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल। लेकिन राइट नाउ ये एसआर का है, ये एसआर का लॉजिक डायग्राम है, ये एसआर का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। लेकिन एसआर में प्रॉब्लम आती थी यहां पे, जब एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 होती थी तो आपकी आउटपुट अनएक्सपेक्टेड है, डिफाइंड नहीं होती थी। तो एसआर को इंप्रूव करके जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। तो जेके फ्लिप फ्लॉप पे चलते हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या था, एसआर फ्लिप फ्लॉप की इस प्रॉब्लम को दूर किया गया है, जहां पे दोनों वैल्यूज 1-1 हो जाती थी तो ये डिसअलाउड होता था। अब जेके फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूस किया गया। जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे बना है? इसी गेट के आगे 2 एंड गेट्स को और यूटिलाइज कर दिया गया है, और ये आउटपुट यहां की इनपुट बन रही है और ये आउटपुट यहां की इनपुट बन रही है, और यहां से आप डायरेक्ट इनपुट जी और की दे सकते हैं।
इतना कॉम्प्लिकेट डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप एक आसान काम कर सकते हो कि आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हो। यहाँ से जे और के आ रहे हैं, ये आपकी क्लॉक है, ये आपका क्यू और ये आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे दो सिग्नल्स होते हैं, एक क्लियर के लिए और एक रीसेट के लिए। सो अगर आपको वह लॉजिक डायग्राम पूछ रहा है तो आप ये भी बना सकते हो जेके के लिए या एसआर के लिए, ठीक है। तो अब ये जेके का हम ट्रुथ टेबल सॉल्व करते हैं। जेके बाकी सब सेम रहेगा, जेके में बस यहाँ पे नॉट डिफाइंड की जगह पे क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट। तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप था। जेके फ्लिप फ्लॉप से दो फ्लिप फ्लॉप और बनाए गए हैं, एक बनाया गया है डी फ्लिप फ्लॉप और एक होता है टी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर डेटा फ्लिप फ्लॉप एंड टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है जी। डेटा फ्लिप फ्लॉप आप रजिस्टर्स जब बनाते हैं, रजिस्टर्स में डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया जाता होता है, और अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं तो टी फ्लिप फ्लॉप आपके काउंटर्स को बनाने में यूजफुल होते हैं, काउंटर्स बनाने के लिए आप डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हो, ठीक है। तो एक डी और टी फ्लिप फ्लॉप फटाफट करते हैं हम। डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना है? जेके फ्लिप फ्लॉप से ही डी फ्लिप फ्लॉप को बनाया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जे और के की इनपुट्स को कंबाइन किया जाता होता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉट गेट। अब नॉट लगाने से क्या हुआ, अगर जे की वैल्यू जीरो है तो ये नॉट लगा के वन बन जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू वन है तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर जीरो बन जाएगी। सो जेके ट्रुथ टेबल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई। अब आपकी दोनों वैल्यूज किसी भी केस में जीरो नहीं हो सकती हैं, तो आपकी ये वाला केस और ये वाला केस नहीं चलेगा, और इतना सा टेबल आपका डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बना देगा। सो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, यहां से जो एक इनपुट आ रही है इसका नाम हमने डी दे दिया है, डी की इनपुट और ये उसकी आउटपुट है, तो इसकी वैल्यू या जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। अगर वन है, अगर मैंने जीरो दी है, ठीक है ना, और ये के वन हो गया तो ये जीरो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जीरो और वन पे ये वन प्रोड्यूस करेगा। दिस इज योर ट्रुथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज योर, ये डिराइव कैसे हुआ मैंने वो बता दिया, और ये आपका लॉजिक डायग्राम है। सो लॉजिक डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप का ये रहा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये रहा, एक्साइटेशन टेबल मैंने अभी डी फ्लिप फ्लॉप का नहीं बताया, मैं वो टी का बताऊंगा। अब बात करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की। टी फ्लिप फ्लॉप पे एक छोटा सा ही चेंज आता है कि यहाँ पे नॉट गेट नहीं लगा होता, एक्चुअली वो एक ही इनपुट से कनेक्ट किया जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ये टी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। टी फ्लिप फ्लॉप ऐसा करने से क्या होगा, टी फ्लिप फ्लॉप में अगर यह वैल्यू यहां पे वन है तो यहां पे भी वन होगी, और अगर यहां पे जीरो है तो यहां पे भी जीरो होगी। इसका मतलब जे और के दोनों जीरो रहेंगे या दोनों वन रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। बेस्ड ऑन दिस अब जीरो वन वाला केस नहीं चलेगा आपका, और ये वन जीरो वाला केस नहीं चलेगा, तो ये दो इनपुट्स आपके इस वक्त चलेंगे। तो टी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इसकी टी की इनपुट और टी की आउटपुट जीरो वन, जीरो पे ये प्रीवियस आउटपुट, इसको क्यू से भी डिनोट किया जा सकता है, और वन वन क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसको हम प्रीवियस आउटपुट भी कह सकते हैं, और ये प्रीवियस आउट का कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप हुआ, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप हुआ। ये कैसे डिराइव हुआ मैंने ये बता दिया, ये इसका डायग्राम है। अब बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल्स को समझने के लिए आपको प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बारे में समझना होगा। जैसे हम इस वक्त कहां पे खड़े हैं और हमारी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, वैसे ही टू टी फ्लिप फ्लॉप की पिछली वैल्यू क्या है और अगली वैल्यू क्या है, इसको हम अज्यूम करते हैं। सो प्रेजेंट स्टेट्स जो होती हैं और जो नेक्स्ट स्टेट होती है, इसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट स्टेट अगर मैं जीरो पे बैठा हूं तो मैं पॉसिबिलिटी है जीरो पे ही रहूं, या जीरो से मैं स्विच करके वन पे भी आ सकता हूं। एंड सेम अगर मैं वन पे हूं तो मैं जीरो पे भी जा सकता हूं, और अगर वन पे हूं तो मैं वन पे भी रह सकता हूं। अब हमने इन वैल्यूज को कैसे ड्राइव करना है इस ट्रुथ टेबल में से देखना पड़ेगा। तो देखते हैं जरा टी फ्लिप फ्लॉप।
अब देखिए यहाँ पे हम जीरो हैं और जीरो पे ही रहे हैं, मतलब जो हमारी पुरानी आउटपुट है वही हमारी इनपुट बन रही, नेक्स्ट आउटपुट बन रही है। तो ये प्रीवियस डाटा को एज इट इज डिस्प्ले करवा रहा है। इसका मतलब क्यू, इसका मतलब अगर मैं क्यू लिखूंगा तो मेरी वैल्यू जीरो से जीरो ही आएगी, मतलब कि जीरो, सॉरी ये जीरो आएगी, ठीक है। और अगर मैं जीरो से वन कर रहा हूं तो अगेन वन, राइट। फिर अगेन वन से जीरो आप स्वैप कर रहे हो तो क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट वन पे, और वन से वन सेम रखने के लिए जीरो, इसको हम क्यू क्यू ही कहेंगे, और इसको हम क्यू क्यू कहेंगे, इसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सो ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बना है। सो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या होगा, ये टी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम है, ये उसका ट्रुथ टेबल मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ये एक्साइटेशन टेबल मैंने डिराइव करके दिया है। अब एक्जैक्टली एक्साइटेशन टेबल क्या होगा मैं वो लिख देता हूँ। सो एक्साइटेशन टेबल में एक प्रेजेंट स्टेट होती है और एक नेक्स्ट स्टेट होती है, ये मैंने अभी डिराइव करी है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, और टी फ्लिप फ्लॉप का आंसर क्या आ रहा था आपका, जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो। दैट्स इट, आपके जो सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें इन तीन चीजों के बारे में पूछा गया था कि टी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम बनाइए, टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाइए, टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बना के दीजिए। हमने तीनों चीजें कर ली हैं। इसके अलावा आप टी फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर टोगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू क्रिएट द काउंटर्स, टी फ्लिप फ्लॉप इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द इनपुट्स ऑफ जे एंड के फ्लिप फ्लॉप इनटू वन इनपुट नेम्ड एज टी फ्लिप फ्लॉप। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी और वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक समझ लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को जरूर शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के बोलिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।